डैड को उनके घर लेके गए. सो इट वॉज द अभी मेरे फोन में वो तस्वीर है, मैं देख के थोड़े से आंखों में मेरे आंसू आए बिकॉज डैड इज नो मोर. बड़ा मिस करता हूँ उनको, मगर आई थिंक इट वॉज हाईलाइट ऑफ माई डैड्स लाइफ के वो अपने गाँव गए और इंडिया जाके देखा और सिद्धू साहब ने इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया. सिद्धू के साथ खेलने की बहुत मेमोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा जबरदस्त बंदा है, खेलने में बड़ा मजा आता था. सिद्धू भाई को मैंने कभी आगे बॉल नहीं किया, मैंने उनको सिर्फ ड्राइव कराई है होटल टू ग्राउंड. गेंद मैंने आगे नहीं फेंका उनको, उनको मैंने फेंका पीछे ही है. बट बड़ा स्ट्रांग प्लेयर था स्पिनर के खिलाफ. मेरे ख्याल में 90s में दुनिया के बेहतरीन प्लेयर थे वो. कोई भी स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, वो लेट निकलते थे, बहुत लेट निकलते थे. और फील्डिंग में उनसे दुक्का वुक्का आराम से हमले लेते थे थर्ड मैन पे. उनका थ्रो इतना खास नहीं था. सिद्धू पाजी नाराज ना होना, बट यू नो आई एम सच गर्ल कर रहे हैं. उनकी थ्रो जाती थी आसमान की तरफ करके ऐसे. बट ग्रेट मैन ऑफ द फील्ड, ग्रेट कंपनी ऑफ द फील्ड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. वो एक ही एरिया के हैं. मेरे डैड अमृतसर से थे, अमृतसर के बाहर. आई मस्ट से यहाँ पे 2006 की बात है कि साथ की सिद्धू साहब पॉलिटिशियंस में थे, पॉलिटिक्स में थे. तो आई थिंक वहाँ के आपके यहाँ MLA होता है शायद, इफ आई रिमेम्बर. जी वो थे वहाँ के, शायद मैं ठीक ना कर, मगर ही वॉज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. मैं डैड को इंडिया लेके गया, दिल्ली से वो ट्रेन आपकी चलती है शताब्दी, वहां से हम अमृतसर पहुंचे. उनका गांव है 14 किलोमीटर दूर अमृतसर से, चविंडा देवी. उनके मैं गांव लेके गया उनको, वहां उनका घर दिखाया. सिद्धू जी ने बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया था सारा. और पूरे गांव में छुट्टी थी, वहां क्रिकेट ग्राउंड में वो देगें पक रही थी पूरी, तकरीरें हुई, डैड को उनके घर लेके गए. सो इट वॉज द अभी मेरे फोन में वो तस्वीर है, मैं देख के थोड़े से आंखों में मेरे आंसू आए बिकॉज डैड इज नो मोर. बड़ा मिस करता हूँ उनको, मगर आई थिंक इट वॉज हाईलाइट ऑफ माई डैड्स लाइफ के वो अपने गाँव गए और इंडिया जाके देखा और सिद्धू साहब ने इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया. ये तो उनकी बात वैसे कर रहा था. और एज अ कॉमेंटेटर मैंने उसका कॉमेंट्री भी बड़ी की है, यू नो वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स इंडिया के लिए. शामों को टाइम भी बड़ा गुजारा है और वो मुझे बताते थे और मैं कई दफा हंसता भी था कि मैं रात को सुबह के 4 बजे मेडिटेशन करता हूँ. मैं कहा पाजी मेडिटेशन क्या होती है, मुझे नहीं था पता. टॉकिंग अबाउट 8-9 years ago, 10 years ago, कह रहे हैं वो उठ के आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हो. मैं क्या पाजी फर्क तो नहीं पिया, ताड़ा वेट तो कट नहीं होया. एनी एंड सिद्धू भाई लव्स हिज मिल्क एंड आल्सो हमने कमेंट्री भी की है. यू नो आपको एज अ कमेंटेटर आपको पता होना चाहिए कि आपको जो को कमेंटेटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. अगर सिद्धू साहब जब कमेंट्री करते हैं, जब वो शायरी बोलते हैं, तो उसका मजा आता है लोगों को. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. और यू नो वो एक आर्ट है जो हर एक के पास नहीं है. ये होमवर्क होता है, शेर याद रखना, फिर उसको किस मौके पे बोलना है, वो उस मौके पे बोलना, इट्स एन आर्ट. और सिद्धू इज द चैंपियन ऑफ दैट आर्ट. मैं कोशिश भी कर लूं मेरे से नहीं होगा, कोई भी कोशिश कर ले नहीं होगा. आई थिंक एक और हिंदी के कॉमेंटेटर है राजदान, विवेक राजदान, वो भी ये करते हैं. मगर सिद्धू जो है वो ट्रेंड सेटर हैं इसमें और उनको आई थिंक दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा होमवर्क करके आते हैं और ये इजी नहीं है. और मौके की मुनासिबत से करते हैं एज वी कॉल इट इन उर्दू.